सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMD के 6000 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, जो उन्होंने अभी करीब 2 दिन पहले लॉन्च कर दिए हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि AMD ने प्रोसेसर के मामले में इंटेल को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ। वैसे ही अब इन्होंने अपनी नई सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड निकाले हैं NVIDIA के 3000 सीरीज से कंपेयर करने के लिए। तो गाइस, ये ग्राफिक कार्ड जो डिज़ाइन किए गए हैं 4K गेमिंग के लिए किए गए हैं, क्योंकि सबको पता है अभी तक सिर्फ NVIDIA के 3000 सीरीज़ ही ऐसी थी जो 4K गेमिंग की कैपेबल थी। और इस बार उन्होंने इसमें काफ़ी सारे नए अपडेट्स भी डाले हैं, जैसे कि इन्फिनिटी कैश को इंट्रोड्यूस किया है, और इन्होंने अपने आर्किटेक्चर को RDNA 1 से RDNA 2 भी कर दिया है, जो 50% मोर पावरफुल है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा इंक्रीमेंट है ग्राफिक्स कार्ड के लिए। तो जैसे आपको सबको पता ही होगा कि RDNA 1 भी 8 नैनोमीटर पर बेस करता था, और RDNA 2 भी 8 नैनोमीटर पे ही बेस करेगा, बट इसे ऑप्टिमाइज़ किया है 4K गेमिंग के लिए। सो गाइस, देख लेते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं ये बेंचमार्किंग में। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस, फर्स्ट ग्राफिक्स कार्ड जो AMD ने लॉन्च किया है वो है AMD का Radeon RX 6800, जो 6000 सीरीज़ का पहला ग्राफिक कार्ड है। इसमें आपको 60 कंप्यूट यूनिट्स मिलेंगी, और साथ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1815 MHz, और ये सपोर्ट करता है इन्फिनिटी कैश को, जो उन्होंने अभी अभी डाला है। और इसमें मैक्स मेमोरी आपको मिलेगी 16 GB, और मेमोरी टाइप है आपका GDDR6। एंड जो प्राइस है इसका वो है $579, जो आपका वही 3070 से $79 ज़्यादा है। अब देख लेते हैं परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क होने वाला है। तो गाइस, दूसरा ग्राफिक कार्ड जो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है AMD का Radeon RX 6800 XT, जो 72 कंप्यूट यूनिट्स के साथ आता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2015 MHz, जो ये भी सपोर्ट करता है इन्फिनिटी कैश को, एंड जो इसकी मैक्स मेमोरी साइज है वो है 16 GB। और वहीं आप मेमोरी टाइप की बात करें तो इसमें आपको मिलता है GDDR6 टाइप, और वहीं प्राइस है इसका $649, जो काफ़ी कम है एक अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के लिए। और बात कर लेंगे थर्ड एंड बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड जो AMD का अवेलेबल है, वो है AMD का Radeon RX 6900 XT विद 80 कंप्यूट यूनिट्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2015 MHz, ये भी सपोर्ट करता है इन्फिनिटी कैश को, और इसकी मैक्स मेमोरी है वो है 16 GB, और इसमें जो मेमोरी टाइप आपको मिलता है वो है GDDR6 टाइप, एंड इसका जो प्राइस है वो है $1000। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है $999, बट आप अप्रॉक्स 1000 लिख सकते हो। और ये सारे जो ग्राफिक्स कार्ड हैं ये सपोर्ट करते हैं PCIe Gen 4 को, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो देख लेते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं बेंचमार्किंग में। सो गाइस, बेंचमार्किंग के लिए जो ग्राफिक कार्ड लिया वो है RX 6800 XT वर्सेस RTX 3080, और ये सारे ही गेम्स जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सारे 4K पे रेजोल्यूशन पे चलाए गए हैं। सो गाइस, बात कर लेते हैं फर्स्ट गेम की। तो फर्स्ट गेम जो है वो है Battlefield 5, इसको चलाया अल्ट्रा सेटिंग्स पे। आप देख सकते हैं RX 6800 XT में आपको मिले 113 FPS, जो आराम से आप बीट कर रहे हैं RTX 3080 को। और जो नेक्स्ट गेम है वो है Borderlands 3, इसको भी चलाया 4K पे, इसमें आपको मिले, इसको बैड एस सेटिंग्स पे चलाया है, जिसमें आपको मिले 63 FPS RX 6800 XT में, जो RTX 3080 से ज़्यादा है। और जो थर्ड गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी का मॉडर्न वॉरफेयर, इसमें भी आपको चलाया अल्ट्रा सेटिंग्स पे 91 FPS 6800 XT में, वहीं आपको कम मिले हैं RTX 3080 में। पर कुछ गेम जैसे Division 2, इसमें RTX 3080 में ज़्यादा FPS आए, क्योंकि ये गेम NVIDIA के हिसाब से ही ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। और जो नेक्स्ट गेम है वो Doom Eternals, इसमें बिल्कुल नेक टू नेक कंपैरिजन है दोनों ग्राफिक्स कार्ड का। और जो फिफ्थ गेम है वो है Forza Horizon 4, जो चला है अल्ट्रा सेटिंग्स पे, इसमें आपको RX 6800 XT में मिले हैं 138 FPS 4K रिजोल्यूशन पे, और इसमें भी ये जीत जाता है RTX 3080 से। और जो नेक्स्ट गेम है वो है Gears of War 5, इसको भी चलाया 4K रिजोल्यूशन पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे। वहीं आप देख सकते हैं इसमें भी RTX और RX में बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 1-2 FPS का ही फ़र्क है। वहीं आपको RX 6800 XT में 78 FPS मिलते हैं। और जो नेक्स्ट गेम है वो है Resident Evil 3, इसमें आपको मिले हैं थोड़े से कम FPS NVIDIA से, क्योंकि ये गेम NVIDIA ऑप्टिमाइज्ड है। और जो नेक्स्ट गेम है वो है Shadow of the Tomb Raider, इसमें आपको बिल्कुल ही बराबर नेक टू नेक FPS मिले हैं हाईएस्ट सेटिंग्स पे 4K रिजोल्यूशन पे। जो लास्ट गेम है वो है Wolfenstein Youngblood, इसमें आपको थोड़े ज़्यादा मिले हैं NVIDIA में, बट आप देख सकते हैं प्राइस के रेशियो में आपको कुछ गेम्स में ही आराम से बीट कर रहा है 6800 XT NVIDIA को, जो काफ़ी बड़ी बात है इतने कम प्राइस पॉइंट पे होने के बावजूद। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और घंटी के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।